या बिजनेस क्यों करें, ये सवाल आपकी मन में डेफिनेटली होगा। तो ये सवाल का जवाब आपको देता हूं, 68% जो पॉपुलेशन आज इंडिया में है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि के साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप एक किसान भाई को अगर कन्विंस करते हैं और उसे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो वो अगले 3 सीजन, मतलब 1 साल के 3 सीजन और अगले 10 साल तक आपका कस्टमर बना रहेगा। आपका रीपर्चेस का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है। हम किसी भी इंटरनल मार्केट में इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं, हम जा सकते हैं इंटीरियर मार्केट में। ये मार्केट जहां पर कोई भी कंपनी आज तक नहीं गई है, अनटच मार्केट है, नीच मार्केट है। यहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं रहेगी। हमारे कोई भी दवाई किसी भी कंपनी के साथ में कंपेरेबल नहीं है। हम यूनिक है, हम हैं। और आज जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो तो जो इंडस्ट्री में हम कदम रखने जा रहे हैं वो इंडस्ट्री 2,50,000 मिलियन US डॉलर की है, 2,50,000 मिलियन US डॉलर की। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट में, जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि जो फिगर हमने 2,50,000 मिलियन US डॉलर की देखी थी, उसमें आज हमारे लिए जिसमें हम बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट में हमारी गिनती होती है, तो 2018 में हम लोग 45% केमिकल पेस्टिसाइड के लिए था और हमारे लिए 55% मार्केट शेयर था। इसका मतलब हम 50% से ज्यादा मार्केट शेयर आज कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है और इसमें हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट में अगर हम सेगमेंट्स करें तो हम इंसेक्टिसाइड, फफूंद नाशक या खरपतवार या फिर अदर सेगमेंट में हम अगर देखेंगे तो कीटनाशक 53% का सेल होता है, फफूंद नाशक का 25% होता है, हर्बिसाइड्स का 18% होता है और अदर्स का 4% होता है। अगर हम इसी फिगर को, अगर मार्केट को अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया का 2018 में 25% मार्केट शेयर था, 30% साउथ इंडिया का था, वेस्ट इंडिया में 40% था, ईस्ट इंडिया में जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ बिहार आता है वो 14% था, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम से लेके आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सभी आते हैं, वो 2% ऑफ नेशनल सेल्स आता है। तो आप देख सकते हो कि आपके राज्य में कितने प्रतिशत सेल होता है। अगर हम मुख्य राज्य अगर देखेंगे जिसमें सेल बहुत ज्यादा होता है तो हम कहेंगे कि 30% सेल जो है आंध्र और तेलंगाना मिलके होता है, महाराष्ट्र में 20% होता है, पंजाब में हम 16% होता है, एमपी और छत्तीसगढ़ हम 13% कर सकते हैं, कर्नाटका में हम 11% और गुजरात 10% होता है। ये मुख्य राज्य है जिसमें हमारी ये पूरी फिगर को डिवाइड किया जा सकता है। आप जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि आपकी फिगर किस तरीके से बिजनेस आप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे कि कौन से क्रॉप में हम लोग कितने प्रतिशत काम कर सकते हैं। अगर वो वाली फिगर 2,50,000 मिलियन US डॉलर की फिगर कौन सी क्रॉप में, कौन से खेती में सबसे ज्यादा होती है, तो चावल की खेती में आपको 18% होता है, सबसे ज्यादा कपास की खेती में 40% इसका इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती में 20% होता है, सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में दालें तेल की किस्मों के लिए आप 10% होता है, प्लांटेशन का मसाले जो क्रॉप होते हैं वो 7% होता है, शुगर केन में 5% होता है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड यूपी का समावेश किया गया है। ये बताने की कोशिश ये थी कि आपके राज्य में किस प्रकार का कृषि होता है, किस प्रकार के कौन से क्रॉप किए जाते हैं, उस क्रॉप में आप किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट आपके लिए है। व्हाई एग्रीकल्चर बिजनेस, हमने एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज की अगर परिस्थिति अगर आप देखोगे तो आज की प्राथमिकता है, आज की प्राथमिकता भोजन है, स्वास्थ्य है, विष मुक्त पौष्टिक भोजन है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड से या दवाइयों से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए आज पूछ रही है, वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर पॉइजन फ्री फूड। वो आज हम एक्सपोर्ट में भी अगर उतरना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हम किसान भाइयों को बता सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयुक्त है, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज पूरी भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और प्राथमिक वाला बिजनेस आज एग्रीकल्चर है। खाने के लिए खाना चाहिए और वो भी पौष्टिक चाहिए, उसके लिए आज यमाई लाइफस्टाइल भी खुद वचनबद्ध है, जो किसान भाइयों के सर्विसेज में लगातार जुड़ा हुआ है। आज जिंदा रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। खाने के लिए कृषि का व्यवसाय बहुत जरूरी है और हम ऐसे पायोनियर वर्कर हैं, हम शुरुआती अवस्था से ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत कदम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका प्रमाण अपने आने वाले दिनों में अपनी फिगर्स बताता है। किसान यमाई लाइफस्टाइल के जो हमारा एग्रो केयर अम्ब्रेला है, जो जिसका ब्रांड नेम इंडिया एग्रो है, उसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन पीक संरक्षण में हम 7 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे टोटल 10 प्रोडक्ट रहेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम डीपीएच बस्टर, ट्रिपाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्र हमने दिया है और क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने ग्रो मैजिक, यमाई स्प्रे और मॉडिफाई दिया है। अगर आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं उस मार्केट की साइज है 250,000 मिलियन US डॉलर। आप समझ सकते हैं 250,000 मिलियन डॉलर कितना बड़ा मार्केट अपने लिए आज है। और मैं गर्व से कहता हूं कि यमाई लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इतनी बड़ी मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर मान के चलिए जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव में अगर आप अगल बगल के 4 गांव के ऊपर भी आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप निश्चित रूप से यकीन मानिए अगले 1 साल में डायमंड बन सकते हैं, इतनी ताकत इस सेक्टर में है। तो आप इस कारवा के साथ जुड़ना चाहेंगे? जी हाँ, आपका आंसर डेफिनेटली हाँ होगा। अगर आप